नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्काई राइडर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे हैं, स्काई राइडर को हमेशा एक यूनिक आइडिया के साथ, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ और एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हमेशा आता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो डिज़ाइनर है और जो स्काई राइडर, उन्होंने एक अलग ढंग से एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन करके एक बहुत ही अलग आइडिया के साथ ये इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस बनाया, जो कि बहुत ही खास है और बहुत ही अलग है। और इसका जो लुक है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस के बारे में कि इसे कैसे खास बनाया गया, किस तरह से डिज़ाइन किया गया और इसके अंदर क्या यूनिक है, और साथ ही में जानेंगे इसके अंदर नया नया क्या फीचर्स है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो में और देखते हैं इस इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का जो लुक है, उस लुक को। तो दोस्तों, सामने से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट कलर में, और साथ ही में इसका जो सीट है वो क्रीम कलर में है। और सामने जो ये ग्लास दिख रहा है, ये फाइबर ग्लास है जो कि काफ़ी ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और वहीं आप सामने में देख सकते हैं हेडलाइट है, हेडलाइट के बीच में स्काई राइडर का ब्रांडिंग किया गया है। और वहीं जब आप इस तरफ से घूम कर देखते हैं तो जो ये एक एम्बुलेंस है उसका पूरा लुक आपको देखने को मिलता है। साथ में ही स्ट्रेचर दिया गया है और एक चेयर दिया गया है। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस में जो स्पेस है वो कैसे है और कैसे कहाँ क्या सामान रख सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इस सीट को। ये जो चेयर है ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, जहाँ पे एक नर्स बैठ करके जो पेशेंट है उसका ख्याल रख सकती है। और वहीं पे देखेंगे सामने, तो सामने बहुत बड़ा सा जगह खाली है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही में जो स्लाइन होता है उसका सारा किट आप रख सकते हैं। और वहीं पीछे देखा जाए तो पीछे में भी आपको बहुत बड़ा सा जगह दिख रहा है, जहाँ पे अपना जो भी किट, मेडिकल किट होता है उसे आप यहाँ रख सकते हैं। और यहीं देखा जाए स्ट्रेचर का, तो दोस्तों स्ट्रेचर के लिए एक स्पेशल यहाँ पे स्पेस बनाया गया, और उसके साथ ही जो ये स्ट्रेचर है इसमें चक्का लगा हुआ है, जिससे आप आसानी से पेशेंट को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और बात किया जाए, ये जो इसके अंदर जो स्पेस है वो इस हिसाब से बहुत ही लंबा स्पेस बनाया गया, जिसमें पेशेंट के साथ एक नर्स और ठीक ड्राइवर के साथ एक और उसका हेल्पर बैठ सकता है। तो ये सब जो डिज़ाइन किया गया है ये एक एम्बुलेंस के लिए बहुत ही खास है, और ये यही जो डिज़ाइन है वो इसको बहुत ही अलग बनाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस स्ट्रेचर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, सेफ्टी के लिए इस स्ट्रेचर में एक लॉक सिस्टम है, जो इस गाड़ी पे रखने के बाद, इसे लॉक करने के बाद ये स्ट्रेचर बिल्कुल इधर से उधर नहीं हिलता है। वहीं पर आपको बता दिया जाए कि ये स्ट्रेचर इस गाड़ी से आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, और साथ में ये जो पहिया दिख रहा है इससे आप कहीं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूंगी ये फोल्डिंग सिस्टम है, यानी इसे आप खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। वही बात किया जाए कि दोस्तों, जब स्लाइन होता है तो स्लाइन के वक्त जो हमारा जो बॉटल होता है वो बॉडी से ऊपर होना चाहिए, तो उसके लिए एक आपको स्पेशल सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पे आप बॉटल डाल करके स्लाइनिंग कर सकते हैं। और वहीं बात किया जाए इसके सीट का, जो सीट जो है वो इसके कंफर्टेबल का, तो ये सीट काफ़ी ही कंफर्टेबल है और बहुत ही हल्का भी है, जिससे स्ट्रेचर काफ़ी हल्का हो जाता है। और वहीं सेफ्टी का बात किया जाए तो आपके दो तरफ से दो सपोर्टर है, और साथ ही में ये जो बेल्ट दिख रहा है वो तीन बेल्ट इसमें दिया गया है। तो इस हिसाब से जो ये एम्बुलेंस है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, वो बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में जो ये स्ट्रेचर दिया गया है ये बहुत ही कमाल का है, यानी कि स्काई राइडर जो जिस हिसाब से डिज़ाइन करके आपके लिए सोचकर ये गाड़ी बनाए वो बहुत ही कमाल का बनाया है, यानी कि इसे देखने के बाद इसमें कहीं कोई भी कमी नहीं बचा है। और वहीं मजबूती का बात किया जाए तो दोस्तों, स्काई राइडर का बना हुआ हर एक गाड़ी मेड इन उड़ीसा के तहत बनता है, तो इसमें जो मजबूती है वो अलग से टेस्ट किया जाता है। और वहीं मजबूती के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही कमाल का गाड़ी है और बहुत ही मजबूत गाड़ी है।
दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रेचर का यूज कैसे होगा। तो ये काफ़ी ही ईजी है, आपको बस यहाँ से एक लॉक खोलना है और उसके साथ ही आपको इसे पीछे एकदम प्यार से पीछे खींचना है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। और फिर वही बात किया जाए इसे अब चढ़ाना कैसे है, तो इसे चढ़ाने के लिए जस्ट आप वहाँ ऊपर चढ़ाने के बाद यहाँ पे एक दिया गया जो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसे आप दबा करके आसानी से इसे ऊपर चढ़ा सकते हो, जो कि बहुत ही आसानी से चढ़ जा रहा है, यानी कि पेशेंट को लाने ले जाने ऊपर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये जो सिस्टम है जिससे ये इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और भी बेहतरीन दिखता है और इसका जो फीचर्स है और भी बढ़िया हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का जो फीचर्स है उसके बारे में बात किया जाए तो दोस्तों आपको सामने के स्टेयरिंग देखने को मिलता है जो काफ़ी स्मूथ है, जिससे आप इस गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। और वहीं पे ये जो सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पे हेडलाइट, डीपर इंडिकेटर और हॉर्न का सिस्टम दिया गया, और साथ ही साथ रिवर्स और फॉरवर्ड का सिस्टम भी यहीं से है। और दोस्तों इस गाड़ी में जो रिवर्स का सिस्टम है वो बहुत ही खास है, क्योंकि रिवर्स होने से आपका बहुत ही अच्छा टाइम बचता है, यानी कि पीछे लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, आप यहीं बैठे बैठे गाड़ी को पीछे आगे कर सकते हैं। नीचे राइट लेग में देखा जाए तो एक्सीलेटर दिया गया जो कि काफ़ी स्मूथ है, जहां से आप गाड़ी को बहुत अच्छे से चला सकते हो। वहीं लेफ्ट पैर में देखा जाए, लेफ्ट लेग में, तो वहां पे ब्रेक सिस्टम है जो कि बहुत ही हैवी ब्रेक सिस्टम है। और वहीं दोस्तों साइड में आपको देखने को मिलेगा हैंड ब्रेक सिस्टम जो कि बहुत ही कमाल का सिस्टम है, यानी कि स्काई राइडर के गाड़ी में ही बस ये सिस्टम देखने को मिलता, बाकी किसी भी गाड़ी में नहीं देखने को मिलता। यानी कि जब आप इस एम्बुलेंस को कहीं भी लगाएंगे तो आप इस हैंड ब्रेक के थ्रू इस गाड़ी को एक जगह खड़े कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है।